सब्जी द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एनी भंडारा प्रसाद, जिसने माय न्यू लैंग्वेज आर सह लेना यार। बारिश बारिश नहीं, एक दिन का ब्लॉग खा गया क्यों भाई, थोड़ा सा किसको। एक्चुअली यहाँ यूपी में बारिश इतनी अधिक हो रही है कि बारिश ने आज मेरा एक दिन का ब्लॉग मीन्स कई घंटे कई व्यू मतलब सारा चीज का नुकसान हुआ, उसका भरपाई आज करेंगे गौरव सिंह। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग, एंड आपका भी नए ब्लॉग में हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं बंदन है। बंदन है जी। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फिलहाल अभी का न्यूज ऐसा है कि व्लॉग में थोड़ी सी देरी होगी ड्यू टू सम इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम सम इंटरनेट प्रॉब्लम। सो कोई नहीं, देर है पर अंधेर नहीं बाबा जी की नगरी में। और हाँ, एक गुड न्यूज आपको बताऊं, जैसा कि आप लोगों ने दो तीन ब्लॉग से यह भी देखा होगा कि हमारे वहाँ जय गुरुदेव महाराज जी का कार्यक्रम चल रहा था, आज उस कार्यक्रम की समाप्ति थी। आज इतना खतरनाक भंडारा हुआ ना, इतने लोग आए थे, इतने लोग, इतना रस था भाई साहब। तुम गए हुए थे ना, कितने लोग आए थे? बहुत ज्यादा, वैसे बहुत सारे लोग आए थे। भंडारे में क्या क्या मिला प्रसाद के रूप में? आज लास्ट दिन था, पूरी सब्जी। हाँ, पूरी सब्जी द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एनी भंडारा प्रसाद, जिसने माई न्यू लैंग्वेज आर सह लेना यार। क्योंकि और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, एक अपडेट न्यूज है कि अभी भी मौसम विभाग के अकॉर्डिंग अभी भी बारिश 25 से 30 घंटे कंटिन्यूअस बारिश ऐसे ही होगी, तेज भी होगा, बूंदाबांदी भी होगी, ऐसे ही चलती रहेगी। तो फिलहाल थोड़ा सा देखो, लाइफ में मुसीबत आता है तो उसको टालो मत, उसको सहो और धीरे धीरे आगे बढ़ो, मुसीबत को मुक्का मारो और सब्सक्राइब वाली बटन को प्रेस करो। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि जिस दिन से मैं बोला हूँ, मैं भी रियलाइज कर रहा हूँ कि जिस दिन से मैं बोला हूँ कि मैं कंटिन्यूअस ब्लॉग डालूंगा, कुछ ना कुछ डालूंगा, उसी दिन से मेरे को कंटेंट में इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। टचवुड अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, बट अदरवाइज इनकेस आगे आने वाले टाइम में कुछ होगा तो आपसे ब्लॉग में बताया जाएगा। थैंक यू गाइस, आप लोग जो पिछले वीडियो को इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो और बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही वीडियो को रिस्पॉन्स देते रहिए और प्यार देते रहिए। अभी मैं आपको मौसम का थोड़ा सा रूबरू करवाता हूँ मौसम के बारे में। तो फिलहाल मौसम कुछ अभी ऐसा हुआ है, टिप 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 बारिश हो रही है और यहाँ बारिश में कुर्सियाँ लगी हुई हैं, आप आके यहाँ इंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल कुछ इस तरीके से पूरे बादल छाए हुए हैं, है ना, और जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाऊंगा, अभी छत के ऊपर से जाके भी दिखाऊंगा कि रोड का क्या हाल है, बारिश ही बारिश। एक्चुअली बूंदे पड़ रही हैं इसलिए कैमरे पे इफेक्ट ना पड़े। चलते हैं अंदर, फिर कुछ आपसे दिल की बातें करते हैं। दिल की बातें दिल ही जाने। तो जी दोस्तों, दिल की बातें दिल ही जाने। एंड आई अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जो भी व्यूअर, जो भी यूट्यूबर, जो भी बंदा अगर कोई कैमरा, इट मीन्स गोप्रो कैमरा बेचना चाहता है तो प्लीज़ मेरे को कॉन्टैक्ट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल आईडी दी हुई है, इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है एंड बहुत सारी आईडी तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा, तो प्लीज़ वहां जाके मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बढ़िया डील होगा तभी कॉन्टैक्ट करना, वरना मत करना। बहुत दिनों से बारिश ही बारिश हो रही है, बारिश ही बारिश ही, मौसम पूरा बादल छाया हुआ है। वहाँ ध्यान से देखिए, रोड पे, रोड पे तो पानी ही पानी आ गया है, इस रोड पे भी और वहाँ सामने भी रोड पे पूरा पानी पानी है। और फिलहाल इधर जय गुरुदेव जी का कार्यक्रम चल रहा था जो कि आज लास्ट है, और वहाँ भी पानी पानी हो गया है पूरा। एंड हे गाइस, भी मेरे को याद आया कि मैं जो कल वीडियो नहीं आने का मेन रीजन ये था कि मैं कहीं गया हुआ था। और महाराज जी का, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरे गांव में, मेरे टाउन एरिया में महाराज जी का आगमन हुआ है, जय गुरुदेव महाराज जी का, उनका कल बर्थडे था तो बहुत अच्छे सेलिब्रेट किया गया। तो उसका कुछ क्लिप देखिए, फिर उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। थोड़ा कॉपीराइट का इशू होगा, थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि इतना गाना चल रहा था, लोग डांस कर रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे, पार्टी है, एज ए बर्थडे पार्टी जैसे हम लोग करते हैं लॉन्डन ले, वैसे ही बर्थडे पार्टी महाराज जी का भी था। तो क्लिप देखिए, फिर मिलते हैं। तुम्हारा नाम चेंज कर दिया जाए? क्यों? ऐसे कर दो। एक्चुअली बहुत सारे लोगों का, जिसे तुम सौरभ जोशी का ब्लॉग देखे हो, सौरभ जोशी से तुमको जो वहाँ पीयूष है ना, उसको कंपेयर किए तुमसे कि जैसे वो पीयूष अपने सौरभ जोशी वाले ब्लॉग में
कुछ खुराफाती हरकतें करता रहता है, उसी तरह से तुम भी मेरे शुरुआती ब्लॉग में, हालांकि बीच में थोड़े से गायब हो गए थे, बट शुरुआत में तुम मेरे ब्लॉग में थोड़ा सा हरकतें करते थे, जैसे कि अयोध्या वाला सीरीज था और जो हैप्पी न्यू ईयर हम लोग रात को सेलिब्रेट किए थे, याद है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसा कंपेयर किए कि ये गौरव नाम चेंज करो भैया, पीयूष रखो नाम, पीयूष आज के बाद तुम्हारा नाम क्या होगा, पीयूष ओनली वन यूट्यूब पे, बाकी हर जगह तुम्हारा नाम गौरव ही रहेगा। आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, सारी जगह तुम्हारा आधार कार्ड बन गया। तुमको वैक्सीन लग गई है, कोविड वैक्सीन लगी है कि नहीं, क्यों क्यों? हाँ थोड़ी देर कर लगवा क्या था, लग गई भैया। वैसे 18 साल से पहले लगी नहीं, तुमको लगी कैसे? सो फाइनली मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ, कोविड बहुत तेज से बढ़ रहा है, आप लोग सारे प्रिकॉशन को फॉलो करिए, मास्क पहनिए, गैदरिंग प्लेस को अवॉइड करिए, और जहाँ भी जाइए सारे प्रिकॉशन को फॉलो करते हुए जाइए और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। आई नो थोड़ा सा लूज हो गया है, बट कोई नहीं यार, हमारे देश में इतनी अच्छी वैक्सीनेशन की हम सोच छीक रहे थे, थोड़ा ब्लॉक चल रहा है आराम से भाई। तो बस समय समय पे आप लोगों को जागरूक करना, इट्स माय ड्यूटी। एंड फिलहाल आज की ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि हम भी अंदर से खुश हों और आप भी खुश रहिए। सो गाइस इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आरपी ब्लॉग। रवि प्रताप सिंह, बाय बाय दोस्त। हे गाइस फिलहाल रात के बज गए हैं 10 और हम लोग खाना डिनर करके आएंगे। एक मिनट रुक जाओ यार, यहाँ हम लोग इंजॉय कर रहे हैं और सामने नदी, यहाँ कौन सी नदी थी पिछले बार, गंडक नदी थी ना, और पहले बार गंडक नदी, दूसरी बार ठंडक नदी, तो इंजॉय कर रहे हैं। और इस बरसात के मौसम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जॉनी को सुसु पोटी करवाने में। यहाँ दो लोग इंजॉय कर रहे हैं, बस पूरा यहाँ तक पानी आ चुका है बारिश का पानी, और यहाँ लोग नदी में इंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली नदी नहीं, ये सड़क है जो कि वहाँ मेन सड़क से मिलता है, और सामने खेत है पूरा।